फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश की टुंडला विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने आए मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। भारत माता की जय वंदे मातरम से अपनी बात शुरू करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन्य है आपके पूर्वज, कोरोना काल में पूरी दुनिया और देश कोरोना से त्रस्त था, उस समय आपने अपनी इस कला को जीवित रखते हुए कार्य किया, गुंडागर्दी को समाप्त किया। आपके पिछले लोकसभा चुनाव भाजपा के पक्ष में देकर यहाँ की परंपरागत गुंडागर्दी को समाप्त करने का संकल्प लिया, यही वह ताकत है, तभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी अराजकता का पर्याय बना दिया था। आज वही ताकत है जिसके दम पर हम गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा यदि जेल में होगा या उसकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता, जब इनका शासन था, अराजकता थी, इनको शर्म नहीं आती है। 9 माह से गैंगरेप के मामले में जेल में बंद एक व्यक्ति के परिवार को सदस्य टिकट देकर बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश को दंगा और अराजकता बनाया गया है। जब इनका शासन था, इस प्रकार की अराजकता थी और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि 9 माह से गैंगरेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जाती है, तो 24 करोड़ की जनता ही परिवार है और इस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उसके विकास के लिए और उसकी खुशहाली के लिए कार्य करना, यही मेरा राष्ट्र धर्म है और इस राष्ट्र धर्म के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के जब कार्य करते हैं तब वो यही तो ताकत है। जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है। इस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा है तो जेल में होगा, कमलों से संपन्न हो गया ना। भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता, आप सबको भी अयोध्या पहुंचा करके उस कार्यक्रम में हम लोग भागीदार जरूर बनाए होते। ईश्वर से प्रार्थना करिए ये कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो, बीमारी समाप्त हो, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हो और भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम लोग फिरोजाबाद वासियों को, टुंडला के सभी मतदाताओं को भी अयोध्या का दर्शन करवा करके भगवान राम की 492 वर्षों की हमारे पूर्वजों की जो तमन्ना थी, उस तमन्ना को पूरा कर सके। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के माध्यम से हम लोग उन सपनों को साकार कर सके जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप